Assalamu alaikum class, I am Ms. Amina Ali and I am about to deliver the first lecture of design and analysis of algorithm, that is our subject. So first of all, we will start our lecture by defining the algorithm. So basically, what is an algorithm? So if we start from the very very basic definition of algorithm, so we may say that algorithm is a set of steps to complete a specific task. Task could be anything. So here we just pick up the very simple task, like to make a cup of tea. So if we are supposed to make a cup of tea, it means we are supposed to do that or perform that specific task. So to perform that specific task, we need some steps. We will follow some steps, like we will add water and milk to the kettle, then we will boil it and we will add the tea leaves, and then we will add sugar, and then we will serve it in a cup. So this was a very very simple example of any task, and we are about to do it by following certain steps. Now if we talk about exactly about computer science or the things which are related to machines and computation, etc., then here we can say that an algorithm is a set of steps of operations to solve a problem, performing calculation, data processing and automated reasoning tasks. An algorithm is an efficient method that can be expressed within finite amount of time and space. Now if we talk about algorithms, we are talking about some problem that requires calculation, that requires data processing or some automated tasks, or anything like that, like artificial intelligence, things that work on their own. So how these things work on their own? Obviously there is some mechanism that is behind them. So agar yahan pe hum algorithms ki baat kare to hum kis cheez ke bare mein baat kar rahe hain? Hum is cheez ki baat kar rahe hain ki hum actually computer ka koi kaam kar rahe hain, kisi cheez ki calculation kar rahe hain, koi data processing kar rahe hain, कोई ऑटोमेटेड रीजनिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. और एल्गोरिथम क्या होगा? वो एक इंतहाई एफिशिएंट तरीका होगा उस चीज़ को करने का, और वो एफिशिएंट तरीका भी ऐसा होगा जिसे आप फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ये नहीं है कि आपने तरीका इजाद कर लिया या डिस्कवर कर लिया या आपने राइट डाउन कर लिया अपने पेज पर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है या बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है. ऐसे दोनों केसेस में आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं है. ये एक जस्ट एक प्रोसेस है और आपने उसको एल्गोरिदम का नाम दे दिया. अब एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. एल्गोरिदम इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे. इफ़ वी हैव एन एल्गोरिदम फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, देन वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीनिंग दैट एल्गोरिदम इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये बात अब यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्गोरिदम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं. आप एल्गोरिदम को सिंपल इंग्लिश टेक्स्ट में राइट डाउन करते हैं, ये एक प्रोसीजर है. आप उसे राइट डाउन करते हैं और उसके बाद जिस भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो एल्गोरिदम बेसिकली एक बेस्ट वे है आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आसानी से, सिंपल एंड एफिशेंट वे, आसानी से आप उसको राइट डाउन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या उस जब हम प्रॉब्लम की बात करें तो बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है. हमने अगर कोई कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेट से आपने कैलकुलेटर बनाना है. अब कैलकुलेटर अगर हम कंप्यूटर के सेंस में बात करें तो दैट वुड बी अ सिंपल सॉफ्टवेयर जो किसी सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा. तो ऐसे केसेस में अगर जब हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से मुराद हमारी ये है कि हम एक्चुअली कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए. ये चीज़ है हमारे पास. व्हाट इज़ एन कंप्यूटर एल्गोरिदम? अभी हम ये सारी कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि एल्गोरिदम क्या है. अ सेट ऑफ स्टेप्स टू अकम्पलिश और कम्प्लीट अ टास्क दैट इज़ डिस्क्राइब्ड प्रिसाइजली इनफ दैट अ कंप्यूटर कैन रन इट. अब हम कंप्यूटर एल्गोरिदम की बात करें. अब हमने अगर कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाया तो इसका मतलब है कि हमने एक जो भी प्रोसीजर बनाया है, दैट स्पेसिफिक प्रोसीजर
इज़ गोइंग टू कम्प्लीट अ टास्क, कोई ऐसा टास्क या कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो हमारा एल्गोरिदम जो कंप्यूटर पे चलेगी. अब जैसे हमने पहले टी की बात की, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट विल बी डन बाय अ मशीन, लाइक अ मशीन लाइक अ कंप्यूटर मशीन. सो अभी जब हम बात करेंगे तो अब कंप्यूटर एल्गोरिदम की, तो हम मेनली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करेंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे चलना. डिस्क्राइब प्रिसाइजली, वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मशीन टू नो हाउ मच वाटर मिल्क टू बी एडेड एक्सेट्रा. मतलब आप लेट से आपने कोई एक मशीन बना ली जो चाय खुद बहुत बनाती है, तो स्टिल उस मशीन में कोई एल्गोरिदम होगा जिसके मुताबिक उसे पता चलेगा कि कितनी अमाउंट में कौन सी चीज़ डालनी है, और फिर उसके बाद वो मशीन चाय बनाएगी. दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल. और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हों वो आप लोग पूछ सकते हैं. आई गेस अभी तक तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन चीज़ों में. आगे, दीज एल्गोरिदम्स रन ऑन कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल जीपीएस इन आवर स्मार्टफोन्स एंड गूगल हैंगआउट्स. GPS uses shortest path algorithm. Online shopping uses cryptography with which uses RSA algorithm, etc. अब यहाँ पे these are some examples of algorithms. Algorithms हर चीज़ में आपके use हो रहे हैं, आपके computer में use हो रहे हैं, आपके computer के almost all softwares में use हो रहे हैं. आप तकरीबन हर software में searching करते हैं, sorting करते हैं. आप सोचें, आप WhatsApp use करते हैं तो उसमें भी आप search करते हैं, आप name search करते हैं तो आपके पास आ जाता है. तो सर्चिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है, इट मींस कोई एल्गोरिदम है जो उस पर चल रहा है. इसी तरह ने यहाँ पे जीपीएस की बात की, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम यूज़ करते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, क्रिप्टोग्राफी अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या होती है. क्रिप्टोग्राफी में आपके पास, मैं आपको एक्सप्लेन कर, अब हम क्रिप्टोग्राफी को देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली क्या होती है. क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है कि लेट्स से कि हमारे पास एक सेंडर है, कि सेंडर हमारे पास एक स्पेसिफिक एक मशीन है सेंडर की, और एक स्पेसिफिक मशीन है हमारे पास रिसीवर की. अब सेंडर रिसीवर को कोई स्पेसिफिक डेटा जो है वो सेंड कर रहा है. अब जब कोई स्पेसिफिक डेटा सेंडर रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो ये जो कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगी, चाहे ये कोई वायरलेस लिंक हो या फिर ये वायर्ड लिंक हो, इसको दरमियान से हैक किया जा सकता है. कोई भी हैकर इसको आसानी से हैक कर लेगा. जब ये हैक कर लेगा तो ये डाटा ये हासिल कर लेगा. अब जब ये डाटा इसको मिल जाएगा, ये उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है. अब क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी में जब सेंडर अपना डाटा सेंड करता है रिसीवर को, तो पहले उस डाटा को, लेट से कि वो डाटा था 1, 2, 3, लेट से दैट वॉज द डेटा, सबसे पहले इसकी हम करेंगे इनक्रिप्शन. इनक्रिप्ट करते हैं हम डेटा को. इनक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम इस डेटा पे कोई स्पेसिफिक की लगाएंगे और इसको कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे जो सिर्फ हम समझ सकते हैं या रिसीवर समझ सकता है. लेट से कि मैं ऐसे चेंज करती हूँ कि मैं हर नंबर को 2 नंबर्स छोड़ के रिप्लेस कर देती हूँ. जैसे 1, 2, 3 है, तो 1 को मैं रिप्लेस कर दूँ 4 से, 2 को मैं रिप्लेस कर दूँ 5 से, और 3 को मैं रिप्लेस कर दूँ 6 से. अब जब कोई भी हैकर इसको हैक करके 4, 5, 6, लेट से कि मेरा अकाउंट नंबर है, वो इसको यूज़ करेगा, तो वो उसके किसी काम का नहीं होगा. जब ये रिसीविंग एंड पे पहुँचेगा, तो रिसीवर पे जाके ये वापस डिक्रिप्ट हो जाएगा और असल डाटा हमारे पास आ जाएगा. यानी यहाँ पे आके इसके पास क्या आ जाएगी, डिक्रिप्शन आ जाएगी कि हमने इसको वापस डिक्रिप्ट कर लिया. अब जब हम डिक्रिप्शन कर लेंगे, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी. बेसिकली क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास क्या होता है कि एक एंड से डाटा इनक्रिप्शन इनक्रिप्टेड फॉर्म में दूसरे एंड पे जाता है, और दूसरे एंड पे जाके वो डिक्रिप्ट हो जाता है. इस पूरे प्रोसेस को इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहते हैं. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन आप लोग नेटवर्क्स में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइन. बेसिकली आपके कोर्स का नाम है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. सो वी विल बी डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम्स एंड वी विल बी एनालाइजिंग दीज एल्गोरिदम्स. जो एल्गोरिदम्स हम डिज़ाइन करेंगे, हम उनको भी एनालाइज करेंगे, और जो एल्गोरिदम्स ऑलरेडी डिज़ाइन है, हम पहले उनको एनालाइज करेंगे. द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गोरिदम डिज़ाइन इंक्लूड क्रिएटिंग एन एफिशिएंट एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन एन एफिशिएंट वे यूजिंग मिनिमम टाइम एंड स्पेस.
अब जब भी हम ये बात करें कि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी को हम किस तरह मेजर करेंगे? उसकी एफिशिएंसी को ऑब्वियसली हम इस तरह मेजर करेंगे कि वो एल्गोरिदम हमारा जो भी काम है वो कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस लेके करे, क्योंकि टाइम और स्पेस आपके कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट को बढ़ा सकती हैं। सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम डिफरेंट अप्रोचेज कैन बी फॉलोड, सम ऑफ देम कैन बी एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंजप्शन, वेयर एज अदर अप्रोचेज मे बी मेमोरी एफिशिएंट। सो डिफरेंट अप्रोचेज हैं और डिफरेंट अप्रोचेज के डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स, लेकिन एक मेन बात हम यहाँ पे माइंड में रखेंगे, हाउ एवर वन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट बोथ द टाइम कंजम्पशन एंड मेमोरी यूजेज कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज साइमल्टेनियसली। सो इफ वी रिक्वायर एन एल्गोरिदम टू रन इन लेसर टाइम, वी हैव टू इन्वेस्ट इन मोर मेमोरी, एंड इफ वी रिक्वायर एन एल्गोरिदम टू रन विद लेसर मेमोरी, वी नीड टू हैव मोर टाइम। अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत वैलिड है और ये समझने के काबिल है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेमोरी भी कम लगे और टाइम भी कम लगे, तो ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम बहुत मुश्किल हैं कि ऐसा पॉसिबल हो। एक ऑप्टिमल लेवल तक ये चीज़ें आप अटेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट हो कि वो बहुत कम मेमोरी ले और बहुत कम स्पेस ले। लेट्स टेक रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आपने कोई जल्दी जल्दी में कोई काम करना हो, लेट्स से आपने कोई नोट्स बनाने हैं और आपने वो 5-6 बुक्स से बनाने हैं। अब अगर आप जल्दी में हैं तो आप सारी बुक्स एक ही बार खोल के रख लेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स को पिक करेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब आपने अपना टाइम बचा लिया, लेकिन आपको स्पेस रिक्वायर्ड है 4-5 या 6 बुक्स और रजिस्टर और पेंसिल और हर चीज़ रखने के लिए। इसी की निस्बत अगर आप एक एक बुक को ओपन करके नोट्स बनाएं तो आप कम स्पेस ले रहे हैं, आप वो छोटे सा टेबल भी इनफ होगा, एक रजिस्टर आप गोद में रख लें, बुक अपने सामने रख लें और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप एक बुक क्लोज़ करेंगे फिर दूसरी खोलेंगे, फिर शायद आपको पिछली बुक से कुछ याद आ जाए, फिर दोबारा पिछली बुक खोलेंगे। अब आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन स्पेस कम ले रहे हैं। अब यही चीज़ें हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाती हैं कंप्यूटर साइंस में भी, कि वहाँ पर आपके पास किस तरह डिफरेंट चीज़ें एक टाइम पर ऑप्टिमल नहीं हो सकती। हाँ, काफ़ी लेवल तक ऑप्टिमल हो सकती हैं, काफ़ी लेवल तक आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपने एल्गोरिदम को एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली मुश्किल हो जाता है। अब जब हम देखते हैं अपनी प्रॉब्लम डेवलपमेंट स्टेप्स हैं, तो हम जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसका कोई डिवेलपमेंट ऑफ उसके मॉडल करेंगे। जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, लेट्स से कि अगर हमारी अपनी प्रॉब्लम है तब भी हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि हमारी क्या है। बहरहाल ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली लेट्स से यू आर मेकिंग सम सॉफ्टवेयर, तो आप उसके प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करके मॉडल बना के, अब हम एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकेशन ऑफ एन एल्गोरिदम बनाते हैं, हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, we check the correctness of an algorithm, we do analysis of algorithm and then we implement the algorithm. उस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर हम प्रोग्राम की टेस्टिंग करते हैं और फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। आप जब भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपके पास टू फेजेज हैं, डिज़ाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज। डिज़ाइन फेज में ही आप अपने एल्गोरिदम डिफाइन कर रहे हैं, सारा का सारा वो काम कर रहे हैं डिज़ाइनिंग का, एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं। ये नहीं, आप बेसिकली डिज़ाइन फेज़ में क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप वो स्टेप्स डिफाइन कर रहे हैं तो बेसिकली आप एंड पे क्या बना रहे हैं, एक सेट ऑफ स्टेप्स बना रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसे एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इसे हम एल्गोरिदम कहते हैं, हम एक्चुअली एल्गोरिदम बना रहे हैं। और फिर एल्गोरिदम जब बन जाए, हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और फिर एंड में हम उसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब हम एक्चुअली हम व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम, उसमें हमें माइंड में रखना है कि देयर आर मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इट मस्ट टेक एन इनपुट, इट मस्ट गिव सम आउटपुट। जाहिर है कोई प्रोग्राम है, कोई एल्गोरिथम है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो कोई इनपुट लेगा और कोई आउटपुट देगा, तो ये चीज़ें तो मतलब वाइटल हैं, यू अंडरस्टैंड दिस। देन अ डेफिनेट, अब ये आपका डेफिनेट होना चाहिए, यानी आपकी सारी इंस्ट्रक्शन क्लियर और होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अगर हम एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टीम्स में काम करते हैं। अब अगर एक टीम एल्गोरिदम डिफाइन बना के अगली टीम को देती है और एल्गोरिदम के स्टेप्स ही जो हैं वो एम्बिगुअस हैं, तो प्रोग्रामर्स कैसे प्रोग्राम बनाएंगे?
finiteness. Algorithm terminates after a finite number of steps. अब फाइनाइटनेस में क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई इनफाइनाइट एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दें. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा खुद बाय सेल्फ कोई ऐसा एल्गोरिदम डिफाइन करे जो कि इनफाइनाइट हो. इनफाइनाइटनेस इस तरीके से आती है, लेट्स से आपने एक एल्गोरिदम डिफाइन किया, उसमें कुछ लूप्स लगाए हैं और वो लूप इस तरह लग गए हैं कि जब वो स्पेसिफिक डाटा उनको दिया जाता है तो वो लूप चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं एंड देर इज़ नो एंड. अब ऐसे वाले केस में हम ये कहेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो इनफाइनाइट है. एल्गोरिदम की इनफाइनाइटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बंदा बैठ के और उसने 100 पेज 200 पेज 1000 पेज का एल्गोरिदम लिख लिया है, वो बैठा है वो एल्गोरिदम ही लिख रहा है. बस इस तरह इनफाइनाइट नहीं होता एल्गोरिदम, बल्कि वो अपनी रनिंग में इनफाइनाइट हो जाता है. इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट बी बेसिक, सिंपल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. इफेक्टिवनेस को हम बहुत से तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. बहरहाल उसके बाद हमें ये पता है कि एल्गोरिदम से हम सूडो कोड को बनाते हैं. सूडो कोड गिव्स अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम विदाउट द एम्बिग्यूटी एसोसिएटेड विद प्लेन टेक्स्ट, बट ऑल्सो विदाउट द नीड टू नो द सिंटैक्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द रनिंग टाइम कैन बी एस्टिमेटेड इन a more general manner by using a pseudocode to represent the algorithm as a set of fundamental operations which can then be counted. अब pseudocode हमारे पास क्या होता है, algorithm आपने लिख लिया, अब pseudocode ज़रा सी high level description है उसी specific algorithm की जो आपने किसी problem को solve करने के लिए लिखा था. लेकिन pseudocode में क्योंकि आप properly आप near to programming language होते हैं और near to मतलब आप एक intermediate चीज़ लिखते हैं, algorithm आप तकरीबन प्रॉपरली अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हैं आप. लेकिन सूडो कोड में आप इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा स्किप करवाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें और ऑपरेशंस को थोड़ा डिफाइन करवा देते हैं, लूप्स फंक्शंस को ज़रा हाईलाइट करके लिख देते हैं. अब उससे क्या होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी लैंग्वेज में नहीं उसे लिखते, लेकिन उसको आप ये समझ लें कि उसका लेआउट इस तरह का होता है कि आपको लगता है कि दैट इज़ नियर टू सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब रनिंग टाइम उससे एस्टिमेट इस तरह हो जाता है क्योंकि सूडो कोड में आप काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ऑपरेशंस लाइक फंक्शन है तो आप लिख देंगे कि फंक्शन है. अब एल्गोरिदम में आप लिखेंगे वी मेक अ फंक्शन ऑफ सम, तो यहाँ आप अगर आप सूडो कोड बना रहे हैं तो आप लिख देंगे फंक्शन सम. अब इस तरह आपके पास क्या होगा कि आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा कि आप कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. इस तरह आप अपने ऑपरेशंस को काउंट कर सकते हैं, अपनी लाइन ऑफ कोड को काउंट कर सकते हैं, एक एस्टीमेट लगा सकते हैं. प्रॉपरली एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन हो जाती है. तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस भी देखें तो एन एल्गोरिदम इज़ अ फॉर्मल डेफिनेशन विद सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स that describe a process which could be executed by a Turing complete computer machine to perform a specific task. Generally the word algorithm can be used to describe any high level task in computer science. Koi bhi high level task hai usko describe kar rahe hain ki wo kis tarike se ho raha hai, that is something we say algorithm. But on the other hand pseudocode is an informal human readable description of algorithm leaving many granular details out of it. Writing a pseudocode has no restriction of style, it has only the objectives is to describe the high level steps of algorithm in a much realistic manner in natural language. To ye bahut aasan ho jata hai aapke liye. Ab aap ek example dekhein, like this is algorithm insertion sort ka. Ab yahan pe aap dekhein ki ye sare english mein steps likhe hue hain, list of integers, sort and all, lekin agar aap इसी का आप सूडो कोड देखें तो दैट इज़ सूडो कोड. अब सूडो कोड किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं है लेकिन आपका जो एल्गोरिदम था उससे काफ़ी छोटा है क्योंकि उस कुछ डिटेल्स निकल गई हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने लूप्स लगाए हुए हैं, व्हाट इज़ फ्लोइंग, हाउ द थिंग्स आर फ्लोइंग, सो दैट मेक्स थिंग्स वेरी ईजी. अब एक क्वेश्चन ये था कि सूडो कोड बनाना लाजमी है या नहीं बनाना लाजमी नहीं है. अब इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं. देखिए अगर मिसाल के तौर पे मैं ख़ुद ही एक प्रोग्राम बना रही हूँ, मुझे पता क्या प्रॉब्लम है, मैंने ही कोडिंग करनी है, मैंने प्लानिंग करनी है, सब कुछ मैंने करना है, सिंगल हैंडेड प्रोग्राम है, तो शायद मैं एल्गोरिदम भी ना बनाऊँ.
सूडो कोड बनाऊं, सीधी प्रोग्रामिंग कर लूं। लेकिन जब आप टीम में काम कर रहे हैं, दो तीन बंदे हैं, या फिर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें डिज़ाइन की अलग टीम है, इम्प्लीमेंटेशन की अलग टीम है, तो वो डिज़ाइन टीम ऑब्वियसली एल्गोरिदम बना के फिर उसका सूडो कोड बना के प्रोग्रामिंग टीम को देगी और फिर प्रोग्रामिंग टीम उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, मतलब किस लेवल पे काम हो रहा है। अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इन थियोरेटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इट इज़ कॉमन टू एस्टिमेट देयर कॉम्प्लेक्सिटी इन asymptotic sense, to estimate the complexity function for arbitrary large input. So the term analysis of algorithm was coined by Dolent. अब यहाँ पे हम अब फर्दर ऑन अब हम ये देख रहे हैं कि हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर है हम एनालाइज करेंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को और हमें कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना चाहिए, ये कंपेरिजन के बाद ही पता चलेगा। सो एल्गोरिदम एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थ्योरी विच प्रोवाइड्स थियोरेटिकल एस्टिमेशन for the required resources of an algorithm to solve a specific computational problem. Most algorithms are designed to work with inputs of arbitrary length. So analysis of algorithm is the determination of the amount of time and space resources required to execute it. Ab analysis bahut important cheez hai. Aap analyze nahi karenge kisi cheez ko to aap kaise select karenge ki do algorithms mein se aapne kaun sa wala select karna hai, कौन सा एल्गोरिदम ऐसा है जो टाइम कितना ले रहा है, स्पेस कितनी ले रहा है और उसकी एफिशिएंसी कैसे कैसे आप उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस में करते हैं। यूजुअली द एफिशिएंसी और रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज स्टेटेड एज अ फंक्शन रिलेटिंग टू इनपुट लेंथ टू द नंबर ऑफ स्टेप्स नोन एज टाइम कम्प्लेक्सिटी और वॉल्यूम और मेमोरी नोन एज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर लेट्स से मेरे पास 100 नंबर्स हैं तो मैं ये देखूँगी कि ये 100 नंबर्स कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम कितनी देर में कितना टाइम लेके उसको सॉर्ट करेगा। अब जब मैं ये उसको टाइम देखूंगी या मैं ये देखूंगी कि कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जाहिर सी बात है जितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स वो ज़्यादा लेगा उतना टाइम वो ज़्यादा लेगा, तो कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स लेके उसने 100 नंबर्स को सॉर्ट किया या कितना कितनी स्पेस उसने यूज़ की, इस तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। So why we need analysis? We will discuss the need of analysis for the algorithms and how to choose a better algorithm for a particular problem, as one of the computational problem can be solved by different algorithms. अब हमें क्यों एनालिसिस करने की ज़रूरत है? मैं पहले भी यही बात कर चुकी हूँ कि एक काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। तो अब हमें कौन सा वाला चूज़ करना है उसके लिए एनालिसिस करने की ज़रूरत है। By considering an algorithm for a specific problem, we can begin to develop pattern recognition so that the similar type of problems can be solved by the help of that specific algorithm. एक और भी वजह क्या है एनालिसिस करने की कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स अगर डिज़ाइन हो चुके हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें, तो वो एक हम एक प्रॉपर पैटर्न बनाएंगे कि हमें पता चलेगा कि भाई ये सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये सर्चिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम्स के कौन से एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग वाली प्रॉब्लम्स के कौन से एल्गोरिदम्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हम ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। सो एल्गोरिदम्स आर ऑफन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एल्गोरिदम्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल दैट वी नो दैट set of numbers can be sorted using different algorithms, the same thing I am repeating again. The number of comparison performed by one algorithm may vary with others for the same input, hence time complexity of those algorithms may differ. So at the same times we need to calculate the memory space required by each algorithm to choose the better one. So analysis of algorithm is basically the process of analyzing the problem solving capability of algorithm in terms of time and space. However, the main concern of analysis of algorithm is the required time or performance. Generally the we perform the following type of analysis. अब जब हम analysis की इतनी देर से बात करें तो we'll see कि हमने किस तरह analysis करना है और हम उनमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। सो हम किसी भी algorithm को देखते हैं कि उसका worst case क्या है, best case क्या है, average case क्या है। अब वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में हम देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज़ ए। यानी अगर ए आपने आपका इंस्टेंस ऑफ साइज़ ए का मतलब ये है कि कोई इनपुट है, लेट्स से आपके पास एक इनपुट है जिसमें 100 नंबर्स हैं
और उसको आपके किसी एल्गोरिदम ने सॉर्ट आउट करना है। तो हमने कहा कि वो इंस्टेंस ऑफ साइज ए है, यानी साइज ए इज 100 नंबर्स। तो कितने उसने स्टेप्स लिए, बेस्ट केस में हम देखेंगे, वर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने स्टेप्स में कर रहा है, बेस्ट केस में हम देख रहे हैं कि मिनिमम कितने स्टेप्स में कर रहा है, और एवरेज हम उसमें दरमियान में एवरेज निकाल रहे हैं। एमोर्टाइज्ड में हम अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ साइज ए एवरेज्ड ओवर टाइम, इसमें हम देखते हैं कि आपका क्या एवरेज, एक एवरेज टाइम दे के हम देखते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ को 5 सेकेंड्स दिए हैं तो उसमें उससे कितने नंबर सॉर्ट आउट कर लें। यानी हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। हम बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करते हैं अपने एल्गोरिदम से, व्हाट आर ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एल्गोरिदम। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट ओवर एल्गोरिदम्स टू बी करेक्ट, सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है। वी थिंक दैट एल्गोरिदम्स मस्ट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, वी ट्राई टू डू दैट, बट वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड दैट नन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज करेक्ट। हमारे पास चीज़ें हमेशा करेक्ट नहीं होती और हमेशा सारे रिजल्ट्स करेक्ट नहीं आते। सो दूसरी हमारे पास चीज़ ये होती है, हम ये देखते हैं दैट वी वांट कि कोई रिज़ल्ट तो प्रोड्यूस हो। सो हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट रिज़ल्ट या इनकरेक्ट आंसर। हम ये देख रहे हैं कि इवन इफ़ इट फेल्स टू गिव करेक्ट रिज़ल्ट all the time still there is a control on how often it gives the wrong result. अब आपको पता है कि आपका algorithm हमेशा ठीक answer नहीं करता, लेकिन आपको ये control होना चाहिए कि आपका algorithm कितना गलत answer देता है। Let's say कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि RSA algorithm है, it does not give correct answer all the time, 1 out of 2 raised to power 50 times it gives incorrect result. यानी 2 raised to power 50 टाइम्स में से एक दफ़ा ये गलत आंसर भी प्रोड्यूस करता है। तो एल्गोरिदम करेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें इस चीज़ पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि अगर वो रॉन्ग रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो कितनी दफ़ा कर रहा है, और हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगली चीज़ हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है कि अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम, एग्जैक्ट सोल्यूशन इज़ नॉट फाउंड बट नियर ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी फाउंड आउट। हमें ये पता है कि आप एग्जैक्टली जब आपका एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकता तो एग्जैक्ट आपके पास सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, लेकिन आप कम से कम ये देख रहे हैं कि उसकी अप्रॉक्सीमेशन कितनी है, कितना नियर सोल्यूशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके बाद चौथी चीज़ है हमारे पास लेस रिसोर्स यूजेज। ऑब्वियसली आपके एल्गोरिदम की पहली चीज़ यही है कि आप ये सोचते हैं कि वो काम भी ठीक करे, यानी रिज़ल्ट भी ठीक प्रोड्यूस करे, और सोल्यूशन भी वही हो जो आपको रिक्वायर्ड है, और रिसोर्सेज भी कम से कम इस्तेमाल किए जाएं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब रिसोर्स यूजेज को हम किस तरह देखते हैं, रिसोर्स यूजेज को हम इस तरह देखते हैं कि टाइम इज़ कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी मेजर ऑफ एफिशिएंसी। सो वी आर आल्सो कंसर्न्ड विद रिस्पेक्टिव एल्गोरिदम इन्वॉल्व्स द कंप्यूटर मेमोरी, बट मोस्टली टाइम इज़ द रिसोर्स दैट इज़ डेल्ट विद। अब यहाँ पे हम टाइम की बात मेनली क्यों कर रहे हैं, टाइम कंसीडर किया जाता है प्राइमरी मेजर। यू विल सी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि पहले कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत स्लो चलते थे और उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कम होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी द मेमोरी इज़ गेटिंग चीपर एंड चीपर एंड चीपर। नाउ यू विल सी दैट इफ़ यू बाय इवन अ मोबाइल सेट ऑफ लाइक 15,000 or 20,000, you just get 128 GB or more of the space. Similarly, you can buy hard disk of a lot of space with very less pricing, and your computers have a lot of memory. And with the same passage of time, you will see that computers are getting faster and faster and faster. And the fast work is the most important requirement. हम नहीं चाहते कि हमारा कंप्यूटर 1 सेकंड लेट काम करे, 2 सेकंड लेट काम करे। वी ऑलवेज वांट अ वेरी फास्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। सो इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट नाउ अ डेज इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग एनी एल्गोरिदम, वी आर इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम इन प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज़ रनिंग ऑन सम काइंड ऑफ मशीन। सो दैट मशीन विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, एंड वट इट विल रिक्वायर फ्रॉम अस इज दैट our program must work very fast. So time is something we are more concerned with. Obviously we are concerned with the memory, but time is most important resource nowadays.
And the actual running of the time depends on the variety of backgrounds. It is not like you develop a very good algorithm and here we go, everything is going very smooth and no problem at all. No, it's not like that. Basically, our actual running time depends on it's like the speed of the computer, the language in which the algorithm is implemented, the compiler, interpreter, skill of the programmer, and so many things which are considered. So we will see that there are a lot of factors which are contributing to the usage of time and space. But yes, we are only focusing on our algorithms. So mainly how long the algorithm takes will be represented as a function of size of input. Like we just considered that there is some input of some size. Let's say the size of input is n, and fn means how long it takes if n is the size of input. Like if I give 100 numbers, then f into 100 means the function will simply calculate by using different mathematical formulas, which we will discuss later on in the course, that how it simply calculates the time. How fast the function that characterizes the running time grows with the input size. Rate of growth of running time. We also see ki aapka rate of growth kya hai. Algorithm with less rate of growth of running time is considered better. अब रेट ऑफ ग्रोथ कैसे है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाते हैं आपका फंक्शन जो उसके फंक्शन की ग्रोथ भी बढ़ती जाती है. अब अगर आपकी फंक्शन की ग्रोथ के डिफरेंट फंक्शन ये आपको डिफरेंट फार्मूलाज हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि वो किस तरह डिपेंड करते हैं. तो अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ती जाएगी टाइम बढ़ता जाएगा और कुछ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है. तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे एल्गोरिदम्स में. अभी आपको ये पॉइंट शायद थोड़ा एम्बिगुअस लगे लेकिन लेटर ऑन वी विल डिस्कस. एल्गोरिदम्स आर जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी एंड वी यूज लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्रोसेसर बट वी नीड टू रन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ गुड एल्गोरिदम्स ऑन द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू प्रॉपरली टेक बेनिफिट ऑफ अवर मेमोरी दैट वी स्पेंड टू हैव द लेटेस्ट प्रोसेसर्स. दे आर लाइक टेक्नोलॉजी. आप बहुत अच्छी मशीन्स बना लें लेकिन आपने उसमें सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं रखे हुए तो दैट वुड वर्क. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लाइक दैट इज़ समथिंग के लेट मी एक्सप्लेन इट शॉर्टली. लेट्स से कि हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी. कंप्यूटर ए पे हमने एक फंक्शन लगाया एल्गोरिदम. उसका ग्रोथ रेट है n raised to power 2. और कंप्यूटर टू है जो बी है दैट इसका ग्रोथ रेट है n log n. अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कंप्यूटर ए जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है, द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. एंड बी कंप्यूटर इज़ अ स्लोअर कंप्यूटर. अब ए कंप्यूटर क्या है, ये एग्जीक्यूट करता है 10 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जबकि बी कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस आपकी एक टाइम पे एग्जीक्यूट करता है. तो इस तरह आपका कंप्यूटर ए जो है वो 1000 टाइम फास्टर है कंप्यूटर बी से. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, आपने ए कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम लगाया है उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन बी कंप्यूटर का ग्रोथ रेट कम है. अब जब इन दोनों के ग्रोथ रेट में फ़र्क है तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट की वजह से आपके पास एट द एंड ए कंप्यूटर 5.5 आवर्स में एक सेम चीज़ को सॉर्ट कर रहा है या रन कर रहा है और बी कंप्यूटर सिर्फ 20 मिनट्स में कर रहा है. और उसकी वजह क्या है आपके पास कि ये ग्रो जो है वो लॉग में कर रहा है और ये ग्रो जो है वो एक्सपोनेंट में कर रहा है. आपके पास काफ़ी सारी मैथमेटिकल चीज़ें लेटर ऑन भी आएंगी तो इस वजह से अब हम इन चीज़ों को कि ये किस तरह कैलकुलेट हुए हैं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल थी. हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को पिक करेंगे और उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो तब आपको इन फार्मूलाज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. इसलिए भी आपने परेशान नहीं होना कि ये फार्मूलाज़ कहाँ से आ गए हैं और हमने ये किस तरह सॉल्व करने हैं एंड ऑल दैट स्टफ. दैट वुड बी इजी वन आउट जब हम इन चीज़ों को करते रहेंगे. रेस्ट अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर जूम पर मैसेज कर दें. कमेंट्स कर दें, मैं कमेंट्स चेक करूंगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर कर दूंगी कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है.
और आप लोग लेक्चर जब व्यू करेंगे सारे के सारे, तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा कि आपने ले देखा है कि नहीं देखा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ लें। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टिल यू आर ऑलवेज़ वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।